मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है हम नैनीताल पे और सुबह की मॉर्निंग यहीं से शुरू हो रही है और आज का सफ़र कुछ ऐसा है। आज मैं, राकेश और अमन जी जा रहे हैं परमस्थली और वहाँ की सैर। भाई ने हमें एक घंटे लेट करा दिया है, सो चलते हैं यहाँ फटाफट से, आपको दिखाते हैं परमस्थली। परमस्थली यहाँ से नैनीताल से करीबन 6-7 किलोमीटर दूर है और हमें ट्रैकिंग भी है, तो चलते हैं। कल स्टे हमारा राकेश के महीना। सो राकेश भाई का घर है हमारा यहाँ पे को, और गाड़ी है हमारी ऊपर जो कि मैं ही चलाऊंगा क्योंकि इस भाई को अभी इतना प्रो नहीं हुआ है। राकेश भाई की गाड़ी हमारी पुरानी गाड़ी राकेश की 9539। सो ये है बाइक। ओ यार आज तो अभी हम जा रहे हैं ब्रह्मस्थली जहाँ हमें राकेश जी लेके जा रहे हैं। कितना टाइम लग जाएगा? डेढ़ घंटा लगेगा। डेढ़ घंटा आने में लगेगा, आधे घंटे हम वहीं रुकेंगे और आधा घंटा मैगी खाएंगे। आगे इंडिया पाकिस्तान मैच और टीम इलेवन में लगा के हमने पैसे कितना 50 चलते हैं यार। इनका ऐसी है भाई, इनको ज्यादा कवर नहीं करूंगा मैं, इनको ज्यादा कवर नहीं करने वाला। तो अभी हम आ गए हैं तल्लीताल मार्केट, आगे जा रही है हमारी स्कूटी। अभी हमें माल रोड पे और माल रोड पे जाम कर रहे हैं। चलो डालूंगा डालेंगे अब। चैनपिक के गेट के समीप पहुंच चुके हैं, यहीं से है चैनपिक का एंट्रेंस, और लेकिन हमें आज आगे जाना है पंगोट की तरफ को। सो चलते हैं। और यहाँ तक देखो यार, बाहर की साइड के जो ड्राइवर है चला नहीं पा रहे हैं। सो ये रहा चैनपिक का गेट, और यहाँ पर आप टिकट पड़ने लग गया भाई 50 रुपए। चल हम चैनपिक भी आएंगे, चैनपिक जाने का मन था पर चढ़ाई देख के हमने कर दे, मैं बना नहीं पा रहा मेरे हमने। तो यार ये पंगोट से पहले एक जलपुल बना हुआ बनाया था इनके बीच में, आर्टिफिशियल टाइप का, जहाँ पे पानी स्टोर हो जाता था यहाँ का, लेकिन अभी ना सूख चुका है पूरा। तो अभी हम यहाँ रुक नहीं रहे क्योंकि अभी यार हमें काफ़ी दूर भी जाना है। पंगोट में पानी, अब तो इसमें जानवर तो पी सकते पानी, उनको भी पैसे लग रहे हैं। इसको उतार दो जरा, इतना बड़ा सर दर्द हो रहा है क्या? मैंने अभी आपको एक दिखाता हूँ, इतना बड़ा उल्लू है ना, अब उसको मार रहे हूँ। बड़ा है वो, मैंने लाइफ में पहली बार देखा भाई, ये कैमरे में दिख ही नहीं रहा भाई। भाई ये देखो भाई, ये आपने ना देखो, तुम लगा दे रहे हो ना, पहले हमसे खुद कह रहा है। तो गाइस पंगोट पहुंच गए हम, और वहां पे हल्का एक्सीडेंट भी हो गया अपनी गाड़ी क्या तुम। तो यार भैया के वहां रुके हम, थोड़ा चौमिन तक खाते हैं और रिफ्रेशमेंट का सामान ले लिया हमने। और यार ये छोटी छोटी यहाँ की मार्केट, जहाँ की दुकान ही आप देख सकते हो, प्यारा सा बाजार पंगोट का, लोग मधुर संगीत भी बज रहा है, गांव के लोग यहाँ पे को लगे पड़े हैं अपनी गप्पे, यही मजा है यार गांव का, छोटे छोटे। तो यहाँ से मैं चौमिन पैक करा लूँ क्योंकि यार खाने। सो यार थोड़ा एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं यहाँ पे, फिर काफी लंबा है, क्लीन कर दो। बन रही एक तो कुछ डिसाइड नहीं कर पाते, इनको फोनों से फुर्सत नहीं है, और बाकी इन्हें सब कुछ चाहिए भाई, तो ये वीडियो शूट नहीं किया, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, थोड़ा इनकी बात है। सो
तो यार थोड़ा मोमो खा लेते हैं यहाँ पे को, मैं सुबह दो रोटियाँ खाई थी, उसके बाद कुछ खाने का मन नहीं किया, तो मैं तो मोमो खा रहा हूँ। तो मैं खाऊंगा इनसे, मत खाऊंगी, बहुत फिटनेस की। मैं तेरे लिए मुँह आया नहीं करा, नहीं करा, नहीं खा रहे हम तो, नहीं खा रहे बस, तो ऐसा करूँगा ना। फिर आधा रास्ता रिकॉर्ड कर लिया है और पंगोट से हम आ गए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी कैंपिंग साइट भी आप देख सकते हो वहाँ पे को, मगर रोड बड़ी बेकार है दोस्तों, रोड काफ़ी ख़राब है, लेकिन नज़ारे बड़े सुंदर हैं यहाँ, और यहाँ को बर्फबारी भी काफ़ी मात्रा में होती है, काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इधर आते हैं। वो अगर आपको सामने नीचे व्यू दिखाया जाता तो वो राती घाट है, और हम इधर ऊपर आ गए, वो देखो वाह भाई नेचर। तो आप देख सकते हो यहाँ से थोड़े थोड़े उग्याल शुरू हो चुके हैं, खूबसूरती यहाँ से जो अलग ही लेवल पे पहुंच चुके हैं यार। रोज थोड़ी डेंजर है यहाँ को, सो यार यहाँ को प्रो ड्राइवर्स ही आए, क्योंकि एक तरफ को ना बिल्कुल भाई खाई है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई दुर्घटना से देर भली, सब आराम आराम से आए। हमारे पीछे और भी गाड़ी आ रही है, देखो पीछे 4x4 जिमनी भी है, और एक तो गाड़ी और है, देखो यहाँ कुछ लोग दिखे हैं, अभी भी तो बाहर का दिख रहे हैं मुझे भाई। ट्रैक शुरू हो गए, हाँ भाई चल लोगे ना यहाँ से, हाँ चल लेंगे अभी तो देखो। तो आज इसकी ट्रेनिंग होगी भाई, काफ़ी टाइम से ट्रैक नहीं किया है, और पहले ही आशीर्वाद दे लेते हैं, चढ़ते हैं ऊपर को। ऊपर कौन रहता है? हाँ भाई ऊपर खिचड़ी वाले बाप रहते हैं। कोई नहीं, खिचड़ी खा लेंगे आज। आगे ट्रैक शुरू होता है हमारा, तो चलते हैं यार आए को। और ये तो भाई चलो चल 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 चलो फास्ट। पहले भी आ चुका हूँ, जब मैं 10th में था तो एक मेरा दोस्त है मोनी, उसका गांव है नीचे, तो हम यहाँ पे आए थे 10th की छुट्टियों में, तो मैं एक बार आ चुका हूँ। अच्छा यू आ चुका है, लेकिन अब मैं भूल चुका हूँ 10th था, और अब ये जवानी है, जवानी भी आपके गुजरी गई, मैं तो कह रहा हूँ। सो दोस्तों ये कह रहा था मुझसे यार, ये भाई अभी मुझे बता रहा था, क्योंकि पहले आ चुका है वो, तो खैर मजाक करता मन कि ब्रह्मा जी के नाम पे पड़ा है ब्रह्मस्थली, और ये थोड़ा सा उग्याल टाइप में भी है, और उग्याल से देखो तो मैं मजा देखा, तुम कहोगे यार उत्तराखंड किस उग्याल से नहीं था, मैं तो मेरे को यही लगा भाई उग्याल से बहुत जबरदस्त उग्याल से, और ब्रह्मा जी यहाँ ब्रह्म का ज्ञान भी आप प्राप्त होता है, इसलिए हम ब्रह्मस्थली है। बाकी ऐसा कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं हमें, मैं तो यहाँ सच बताऊँ तो एक्साइटमेंट की तरह आ गया, मगर एक ट्रैक करने और खूबसूरती जगह पता है, ऐसे जगह पर आते रहता हूँ इसलिए आया हूँ। बाकी यार मैं ये कहना चाहूँगा, अंग्रेजों के जाने से घाटा तो पता नहीं क्या क्या हुआ है, लेकिन भाई फायदा ये हुआ कि भाई उन्हीं की बनाए हुए ट्रेल से पूरे हम आपको दे देखो, जैसे कि मैं आपको बता रहा था ना, ये उन्हीं की बनाई हुई ट्रेल है, जो रास्ता है ना अभी वाला रास्ता नहीं है, अभी वाला रास्ता भैया, अब ये फॉरेस्ट के अंदर आ गया, सो उसके बाद लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर कोई ऐसा काम किया नहीं, तो यही मेरा थोड़ा दिल दुख जाता है यहाँ पे को, सो वो थक गया है पीछे। हाँ ऐसा नहीं है, बदमाश छोरा गवर्नमेंट दे रहा हूँ, यहाँ से आप कुल 10 मिनट का रास्ता बचा है, मैं यहाँ पे इसलिए रुका हूँ क्योंकि आपको थोड़ा व्यू का यहाँ पे को मज़ा दूँ, और आप देख सकते हो भाई यहाँ से, और यहाँ से थोड़ा सा भाई कह रहा है कि 10 मिनट का रास्ता बचा है। खूबसूरत ट्रैक है भाई, बहुत ज़्यादा खूबसूरत ट्रैक। दोस्तों ये आ चुका है पहले, अब देखो कितनी दूर से आ रहा है अभी ये लोग, हाँ ये देखो ये भाई ये, हाँ फोकस में ले लिया, हाँ लग रहा है,
कपिला पशु आहार चाहिए चापड़ और रह जाए, मैं तो थका नहीं हूँ लेकिन इनकी हालत खत्म हो चुकी है और आप लोग देख ही होंगे चेहरे को देखकर किसका चेहरा ज्यादा लाल हो रहा है ये बताओ। थकान जो महसूस हो रही है मेरे चेहरे पे नहीं लग रही। तो फाइनली हमारा 1 से 1.5 घंटे का ट्रैक पूरा हुआ और सामने रहा ब्रह्मस्त्री मंदिर। अब हमें यहीं पे तक जाना है और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ थोड़ा, यहाँ से कैसे नज़ारा आता है। काफ़ी टॉप पे है किलवरी पंगोट और काफ़ी सारी सामने रहा सोड़ गाँव। ब्रह्मस्थली मंदिर के प्रवेश द्वार पर हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से जो लोग यहाँ रहते हैं उनके घर भी हैं। वो खूबसूरत से ऐसा नज़ारा, काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आए हैं। प्रवेश कर रहे हैं। तो ये रहा ब्रह्मस्थली टेंपल, आप देख सकते हो हर हर महादेव। सो ऐसा कुछ मंदिर है। सभी में थोड़ी देर में आपको अच्छे से मंदिर दिखाऊंगा, थोड़ा मैं यहाँ अपने सर झुका लूं। तो ये था ब्रह्मस्थली मंदिर पंगोट से कुछ दूर। ये थी यहाँ की मेरी यात्रा। क्या कहना चाहोगे इस मंदिर के बारे में आप? अपार शांति मिली है, शांति मैं सही बताऊँ तो हमने डिसीजन अच्छा लिया। आगे थोड़ी चढ़ाई है मतलब शांति देख सकते हैं, यहाँ भीड़ भी नहीं है। सबसे मेन चीज़ ये है कि लोग ज़्यादा नहीं है, इसलिए अच्छा भी लग रहा है। आप देख सकते हो मंदिर में कुछ भी नहीं है ऐसा। और ये ब्रह्मा जी का खूबसूरत सा मंदिर, मैं आपको एक बार और दोबारा दिखा दूँ। और पत्थर काफ़ी गर्म हो चुके हैं यहाँ पे, नीचे कई लोग आए भी हैं जिनने शायद छोटी मोटी पूजा दी हुई तो खाना पीने चलता है। व्यू एंजॉय कीजिए। जान में जा रहे हैं मनीष जी, अच्छा वन विभाग द्वारा बनाया गया। अच्छा आते हैं रात को स्टे करते हैं क्या लोग यहाँ? अच्छा ये ऊपर से देखते होंगे। हाँ तो नहीं आऊंगा। मचान पे हम चढ़ गए हैं। इस भाई ने तो हमको बोला है और ये भाई पता नहीं कहाँ चढ़ रहे। तो वहाँ के साइड को थोड़ा गैल डैम में अभी हम वहाँ को भी जाएंगे। सर ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ पर। तो वहाँ का प्लान हमने ड्रॉप किया है क्योंकि समय की कमी है। सो नेक्स्ट टाइम आएंगे कभी। हम ही एंड करते हैं एंड आई होप कि व्लॉग आपको पसंद आया होगा एंड हम भी यहाँ से निकलना है, अभी हमें हल्द्वानी भी निकलना है। सो क्या कहना चाहूँगा लास्ट टाइम व्लॉग में? बहुत चढ़ाई सो समझ के आना जिनको दिल की बीमारी है या सांसों की बीमारी हो।